Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday video में हमारा topic था converting a decimal into a fraction. Decimal number को fraction number में किस तरह convert किया जाता है, हमने कुछ steps को follow करके example solve करके सीखा था कि कैसे हम convert करें. So for example, divide कर लेते हैं हम. So 23.45. ये कोई डेसिमल नंबर है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर दिस, इसको हमें फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है. सो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या थी हमारी फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड. फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग विदाउट डेसिमल पॉइंट हमें नंबर को एज इट इज लिखना है. सो विदाउट डेसिमल पॉइंट 23 पॉइंट तो लिखना ही नहीं हमें. विदाउट डेसिमल पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट के छोड़ के हमें नंबर को इस तरह से लिखना है. देन सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में हमें वन पुट करना है. देन डेसिमल पॉइंट से बाद में जितने डिजिट है उतने जीरो हमें यहाँ पर पुट करना है. सो डेसिमल पॉइंट के बाद वन एंड टू डिजिट है. सो टू जीरोस ने यहाँ पर पुट किए हैं. सो सेकेंड स्टेप इज कंप्लीट. फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर हमें यहाँ लिखना था. देन सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर में वन के साथ हमें जीरोस पुट करने हैं. बट कितने जीरोस पुट करने हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस हमें यहाँ पर पुट करने हैं. सो ये कंप्लीट. देन थर्ड स्टेप में इसे सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना मीन्स इसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है. सो 100 से डिवाइड करेंगे 2345 में. सो वी फाइंड इट दिस आंसर, ओके. सो 100 से यदि हमने जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये आंसर फाइंड होता है. क्लियर दैट स्टूडेंट? टुडेज अवर टॉपिक इज लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. सो लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, ये आज हम सीखेंगे. सो स्टूडेंट, टुडेज अवर टॉपिक इज लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल. सो क्या होते हैं, व्हाट इज लाइक डेसिमल एंड व्हाट इज अनलाइक डेसिमल. सो स्टूडेंट, वी नो दैट कि लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ओके. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उन्हें हम उन्हें लाइक डेसिमल्स कहते हैं. एंड अनलाइक डेसिमल्स जिनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, डिफरेंट. फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5 ये फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन है बिकॉज इसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है. क्लियर दैट? इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट होते हैं मीन्स 2/3, 3/6, ओके. सो इनके डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है. सो ये क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन. सिमिलरली लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में भी इसी तरह से होता है. लाइक डेसिमल जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं मीन्स फॉर एग्जांपल 23.5, 2.5, 2.8, 3.9 के डेसिमल प्लेसेस पर कंसीडर किया जाता है. लाइक डेसिमल क्या होते हैं, इनके डेसिमल प्लेसेस पर मीन डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इस पर कंसीडर किया जाता है. इनमें देखिए वन प्लेस ही है. सो ये डेसिमल्स कैसे कहलाते हैं, लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं. क्लियर दैट? सो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं मीन्स नंबर ऑफ प्लेस. यदि यहाँ पर प्लेस एक ही प्लेस है, एक ही डिजिट है, सो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल्स, ओके. और अनलाइक डेसिमल्स, सो व्हाट इज अनलाइक डेसिमल, का जस्ट अपोजिट मीन्स अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. लाइक 23.5, 24.56, 2.57, 2, इस तरह से डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस हैं नंबर ऑफ प्लेसेस वो डिफरेंट रहते हैं. सो इन्हें कहते हैं हम अनलाइक डेसिमल्स. सो स्टूडेंट, क्या होते हैं लाइक डेसिमल्स एंड क्या होते हैं अनलाइक डेसिमल्स?
सो लाइक डेसिमल्स में डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे होते हैं? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए कितने प्लेस है डेसिमल प्लेसेस में, वन प्लेस ही है। सो यहाँ पर प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस कैसे है? सेम है। नंबर ऑफ प्लेसेस की बात कर रही हूँ मैं, है ना। सो नंबर ऑफ प्लेसेस सेम है, सो इन ग्रुप को कहेंगे हम लाइक डेसिमल्स। सो ये डेसिमल्स कैसे कहलाएंगे? लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे एंड अनलाइक डेसिमल्स। सो ऐसे डेसिमल्स जिनकी नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कैसे हो? डिफरेंट हो, सो उन्हें हम कहेंगे अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जो कि एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है कि लाइक डेसिमल क्या होते हैं। सो लाइक डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को सेव करते हैं। ओके, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल सच इज 22.8, 6.5, 222.8 आर लाइक डेसिमल्स। हम इन्हें लाइक डेसिमल्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस है इनके पास। कैसे प्लेसेस है? सेम नंबर ऑफ प्लेसेस है, मीन्स वन ही प्लेस है, मीन्स टेंथ प्लेस है। डेसिमल पॉइंट से पास वाला प्लेस कौन सा होता है? टेंथ प्लेस, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10। क्लियर देट? ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में डिस्कस कर लिया है कि डेसिमल पॉइंट से पास वाला प्लेस कौन सा होता है राइट हैंड साइड पर, कौन सा होता है? वेरी गुड, टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1/10। सो नंबर ऑफ प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जिस डेसिमल में होता है, जिस डेसिमल नंबर में होता है उसे हम कहते हैं लाइक डेसिमल नंबर। ओके, सो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? लाइक डेसिमल्स के एग्जांपल है, बिकॉज इनके पास नंबर ऑफ प्लेसेस कैसे हैं? सेम है। क्लियर दैट? सो नेक्स्ट अनलाइक डेसिमल्स। सो व्हाट इज अनलाइक डेसिमल्स? अभी हमने डिस्कस कर लिया है, पर डेफिनेशन क्या कहती है? द डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या कहा गया है? डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स, सच एज फॉर एग्जांपल 42.3, 8.54, 422.488 आर डेसिमल, आर अनलाइक डेसिमल्स। क्यों कह रहे हैं हम इसे अनलाइक डेसिमल्स? बिकॉज ये सारे डेसिमल नंबर्स कैसे हैं? हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस है, यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स टू प्लेसेस है। ओके, यहाँ पर कितने टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सो यहाँ पर थ्री डेसिमल प्लेसेस हैं। सो इस कंडीशन में हम इस तरह के डेसिमल्स यदि हमें गिवन है, सो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? अनलाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। ओके, मींस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे हैं? डिफरेंट है। यहाँ पर तो टेंस प्लेस है, जिसकी प्लेस वैल्यू है 1/10। यहाँ पर टेंस एंड हंड्रेड्स, मींस 1/10 एंड 1/100 दो डेसिमल प्लेसेस है, टेंस एंड हंड्रेड्स। यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, सो थ्री डेसिमल प्लेसेस। ओके स्टूडेंट, सो ये एग्जांपल किसके हैं? अनलाइक डेसिमल्स है। सो डिफरेंट पता हो गया हमें कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। लाइक डेसिमल्स जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे होते हैं? सेम होते हैं। एंड अनलाइक डेसिमल्स जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमें होल नंबर पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, होल नंबर पार्ट को कंसीडर नहीं करना है, हमें केवल डेसिमल पार्ट को कंसीडर करना है। हम लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल किस बेसिस पर कह रहे हैं? डेसिमल पार्ट को कंसीडर कर करके फिर हम इस बेसिस पर कहते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। क्लियर दैट? सो क्या करना है हमें? केवल डेसिमल पार्ट को ही कंसीडर करना है, न कि होल नंबर पार्ट।
क्लियर दैट स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल राइट लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये थ्री पार्ट्स क्वेश्चंस के हमें गिवन है. सो हर एक पार्ट में टू टू नंबर से इन पार्ट्स में हमें लाइक डेसिमल कौन सा है और अनलाइक डेसिमल्स कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है. ओके सो देखिए फर्स्ट में कंसिडर कीजिए 22.32 एंड 76 22.32 एंड 256.76 डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स को इस तरह से रीड किया जाता है. वन वन डिजिट मीन्स 0.76. क्लियर दैट? सो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट नंबर इन दोनों में हमें पहचानना है कि दोनों लाइक डेसिमल्स हैं या अनलाइक डेसिमल्स हैं. सो लाइक डेसिमल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे होने चाहिए सेम, और अनलाइक डेसिमल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो सो वो कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल्स. क्लियर दैट? सो यहाँ पर देखिए हमें क्या कंसीडर करना है, वेरी गुड, डेसिमल पार्ट को कंसीडर करना है न कि होल नंबर पार्ट को. सो डेसिमल पार्ट दिस डेसिमल पार्ट है. ओके सो डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है. देखिए यहाँ पर टेंथ प्लेस है एंड हंड्रेड प्लेस है. इस नंबर में भी टेंथ प्लेस है एंड हंड्रेड प्लेस है, मीन्स सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है. मीन्स ये दोनों केसेस डेसिमल नंबर है, लाइक डेसिमल नंबर है, लाइक डेसिमल है. ओके नेक्स्ट सेकेंड में नंबर है 289.2 एंड 31.12. सो इसे आइडेंटिफाई करना है ये दोनों लाइक डेसिमल से या अनलाइक डेसिमल से. सो कंसीडर करते हैं हम डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. सो यहाँ पर टेंथ प्लेस है, देन इस नंबर में टेंस और हंड्रेड्स टू डेसिमल प्लेसेस है, मीन्स डिफरेंट है, डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है. ओके सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल नंबर दिए हैं ये कैसे हैं, अनलाइक है, अनलाइक डेसिमल है. क्यों कह रहे हैं हम इसे अनलाइक डेसिमल, बिकॉज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे हैं, डिफरेंट. यहाँ पर तो टेंथ प्लेस है बट यहाँ पर टेंथ्स और हंड्रेड्स टू डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर केवल वन डेसिमल प्लेस, सो डिफरेंट है. इस कंडीशन पर हमने इसे कहा अनलाइक डेसिमल. क्लियर दैट? थर्ड है 4.415 एंड 8.719. कंसीडर कीजिए किसको कंसीडर करना है, वेरी गुड, डेसिमल पार्ट में डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर करना है. सो टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड इस नंबर में टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स मीन्स डेसिमल प्लेसेस कैसे हैं, सेम है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, थ्री प्लेसेस इधर है सो थ्री प्लेसेस इधर ही है. सो इस कंडीशन पे ये डेसिमल कैसे होंगे, वेरी गुड, लाइक होंगे, लाइक डेसिमल. क्लियर दिस? सो स्टूडेंट आज जो हमने डिस्कस किया है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.